भाइयों चाइना जब आओ ना तो अगोड़ा से बुकिंग मत करना, एकदम घटिया प्लेटफॉर्म है। दो जगह होटल बुक किया है और दोनों जगह इतने इश्यूज आए हैं, एक जगह तो डिनाई कर दिया, दूसरी जगह पे अभी होटल वालों को कंफर्म नहीं हो रहा है कि मेरी कोई बुकिंग है, तो अगोड़ा वालों से ही कॉल पे बात चल रही है, होल्ड पे डाला हुआ है। तो अगोड़ा से नहीं करना, अगर चाइना कभी आना है तो यहाँ पे trip.com बहुत चलता है, trip.com चलता भी और आपको स्काई स्कैनर पे भी trip.com ही मिलेगा, तो trip.com से अगर आप होटल करोगे दैट विल बी मच मोर कन्वीनियंट। तो भाइयों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गोंजो में जब आप लोग कैंटोन फेयर अटेंड करने जाएंगे तो कौन से होटल में आपको स्टे करना चाहिए, या फिर कौन सा होटल कैंटोन फेयर एरिया के नज़दीक हो सकता है या फिर आपके बजट में हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा होटल आपके बजट में हो सकता है या फिर कैंटोन एरिया के आसपास जो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो जो है कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आप इस वीडियो में जो भी होटल्स के बारे में मैं आइडिया दे रहा हूँ उन सब के रिव्यूज़, रेटिंग, उनके डिस्टेंसेस और अपना बजट देख के अपने हिसाब से आप बुक करें, बस मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पिछली बार जब मैं कैंटोन फेयर अटेंड करने गया था तब वहाँ पे agoda.com यूज़ किया मैंने और trip.com यूज़ किया, तो जो trip.com था वो वाकई में agoda.com से काफ़ी बेहतर वेबसाइट थी। कई जगह पे मुझे agoda.com के जो भी होटल से वहाँ पे चेक इन जो है वो डिनायल कर दिया गया, जैसे वुहान में कर दिया गया या फिर शेंजेन में कर दिया गया, लेकिन जो भी बुकिंग मैंने trip.com से की थी वो सारी की सारी बुकिंग जो है कन्फर्म हुई, और अगर कहीं पर रिफ़ंड चाहिए था तो trip.com से बात करके मैंने रिफ़ंड भी ले लिया था और टाइमली रिफ़ंड भी आ गया था, लेकिन अगोड़ा के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अगर आप मेक माई ट्रिप या किसी इंडियन पोर्टल से बुक करके जाएंगे तो उनका भी सपोर्ट वहाँ पे निल हो जाएगा। तो आप कोई इंटरनेशनल पोर्टल से अगर बुक करते हैं तो दैट इज़ trip.com, जो कि मैंने यूज़ किया था और काफ़ी सही एक्सपीरियंस मेरा उससे रहा था। तो अगर आप trip.com से बुक करें और पहले फेज़ के लिए अगर आप बुक करने की कोशिश करें कि पहला फेज़ जो है वो 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, लेकिन हम 14 से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप सपोज़ 14 को पहुंच गए हो और जैसे कि पहला फेज़ 19 तक चलेगा, तो अगर आप वहां पे 19 तक स्टे करते हो, मतलब कि आप दो लोग अगर गए हो सपोज़, या कोई अकेला बंदा ही जा रहा है, दो लोग पकड़ लेते हैं हम कि अगर दो लोग जा रहे हैं और ये 5 रात का स्टे हो जाता है तो आपका कौन सा होटल आपको आसपास बेटर पड़ सकता है ये हम सर्च करने वाले हैं। तो आपके पास ये जैसे आप trip.com में डालेंगे आपके पास एक ऐसे करके लिस्ट आ जाएगी। अब आपको कैसे आइडिया लगने वाला है कि इनमें से कौन सा होटल आसपास रहेगा या फिर आपका होटल जहाँ पे भी रहेगा आप वहाँ से कैसे अपनी टू एंड फ्रो मूवमेंट करने वाले हैं कैंटोन फेयर के लिए। सपोज़ ये होटल है, आपने यहाँ पे जब इस पे क्लिक किया तो आपने देख लिया कि इस होटल का जो रेट है वो 1700 रुपये पर नाइट के आसपास है, इसके रिव्यूज़ 898 हैं, तो आप इसके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, और साथ ही इसकी लोकेशन ज़रूर चेक करें। लोकेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि जहाँ पे भी आप होटल लेने वाले हैं वहाँ से आपको कैंटोन फेयर एरिया तक पहुँचने में कितना वक्त लगने वाला है वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा, होटल की लोकेशन पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप ये देखें कि जो होटल की लोकेशन है, जैसे यहाँ से हमें मिलेगी तो होटल की जो लोकेशन है वहाँ से कोई मेट्रो स्टेशन नज़दीक है क्या, जैसे यहाँ से 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक मेट्रो स्टेशन है और दूसरा मेट्रो स्टेशन 450 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे दिखाएगा, ये है मैप गोंजो का या इस होटल का, तो मुझे दिखता है कि ये एक मेट्रो लाइन आ रही है। जब आप गोंजो में लैंड करेंगे तो आप यहाँ कहीं इस एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और यहाँ से ये वाली मेट्रो लाइन लेके आप इधर की तरफ आएंगे, तो इसमें जो होटल आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और यही मेट्रो लाइन के एकदम पास है जो आपकी एयरपोर्ट से ऊपर से आ रही है, ठीक है, ये एयरपोर्ट से आ रही है और इसी के साथ साथ आपको ये होटल यहाँ पे मिल रहा है। अब आपका कैंटोन फेयर कहाँ लगने वाला है, आप इसी लाइन को अगर फॉलो करते हुए आएँ तो ये देखिए ये यहाँ तक आ गए आप, और यहाँ पे फिर ये मेट्रो स्टेशन है फाजू करके और एक है यहाँ पे जिंगेंग डोंग करके, ये दो मेट्रो स्टेशन हैं, ये दोनों मेट्रो स्टेशन से आप कैंटोन फेयर की एंट्री ले सकते हैं। तो जब आप ये मेट्रो लाइन से यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे किकुन नाम का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आपको चेंज करके ये वाली मेट्रो लाइन लेके आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैंटोन फेयर एरिया मिलने वाला है। अब कैंटोन फेयर एरिया ये फाजू मेट्रो स्टेशन पे ये कैसे पता लगेगा, इसके लिए मैं आपको एक मेट्रो मैप दिखा देता हूँ। तो ये गोंजो सिटी का मेट्रो मैप है। अब इस मेट्रो मैप में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे ये वाली मेट्रो लाइन लेके, ऑरेंज वाली जो मेट्रो लाइन है दैट इज़ लाइन नंबर 3, तो ये लाइन नंबर 3 लेके आप आएंगे यहाँ तक और ये किकुन नाम का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से आप इंटरचेंज करके
जिंगगेंगडोंग और फाजू, ये मेट्रो स्टेशन से आप कैंटोन फेयर के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो एरिया है फाजू और गिंगगेंगडोंग, इसके आसपास ही आपको कैंटोन फेयर एरिया की एंट्री मिलने वाली है। तो अभी जो होटल हम देख रहे थे वो लगभग यहाँ कहीं होने वाला था। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो फाजू और जिंगगेंगडोंग मेट्रो स्टेशन है, इसके आसपास हमें कहीं होटल मिल जाए इस एरिया में कहीं, ताकि आप उस होटल से इन मेट्रो लाइन का यूज़ करके इस कैंटोन फेयर एरिया को एक्सेस कर पाएँ। देखिए, अगर आपका होटल पन्यू स्क्वायर के आसपास है तो भी आप ये लाइन नंबर 3 ऑरेंज वाली लेके और यहाँ पे केकुन पे इंटरचेंज करके और जिंगगेंगडोंग और फाजू मेट्रो स्टेशन पे उतर के कैंटोन फेयर अटेंड कर सकते हैं। ये तकरीबन कोई घंटे का रास्ता रहेगा। एक आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाइनीज़ ऐप रहेगा जिसमें मेट्रो मैन के नाम से रहता है, और उसमें आप ये देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितना टाइम लगने वाला है। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। बट ये अराउंड कोई एक घंटे के आसपास रहेगा, यहाँ से भी रफली कोई इतना ही टाइम लगेगा। तो ये जो स्टेशन है फाजू और गिंगगेंगडोंग, आप कोशिश करें कि ये एरिया के आसपास अगर आप लेने का कोशिश करेंगे होटल, तो थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। अगर आप इस रेडियस से थोड़ा दूर जाएंगे तो आपको शायद होटल सस्ता मिल जाए, लेकिन आपको ट्रैवलिंग टाइम भी देखना रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ पे भी आप होटल लेने वाले हैं वहाँ से मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई दफ़ा अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर आपका मेट्रो स्टेशन है तो फिर आपको 2 किलोमीटर दूर या तो पैदल चल के जाना पड़ेगा या फिर बीच में बस लेनी पड़ेगी। बस लेने के लिए कि कौन सी बस आपको मेट्रो स्टेशन पर छोड़ेगी, उसके लिए आप एप्पल मैप का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होएगा आपके लिए। तो चलिए वापस आते हैं होटल के टॉपिक पे। तो यहाँ से ये तकरीबन यहाँ कहीं अगर ये होटल है तो फाजू मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ पे है, तो आप ये लाइन पकड़ के और यहाँ तक आ सकते हैं। डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आप मेट्रो स्टेशन, अगर 7 मिनट का रास्ता है तो आप मेट्रो स्टेशन पहुँच जाएंगे, और फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना रहेगा मेट्रो से या उससे कम का, और आप यहाँ तक आराम से पहुँच सकते हैं। और इसका जो रेट होने वाला है वो होने वाला है 1700 रुपये पर नाइट का। और ये इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं, एक्सेलेंट लोकेशन है, बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि कैसा ये रूम दिखने वाला है, क्या क्या इसके कमरे होने वाले हैं, ये सब आपको इसमें नज़र आ जाएगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप इसके रिव्यूज़ ज़रूर एक बार ध्यान से देख लें, उसके बाद इसको बुक करें। ये एक 3-स्टार होटल है। अभी बात करते हैं किसी दूसरे होटल की। सपोज़ ये जो होटल है अभी इसकी बात करते हैं, जो 1800 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल रहा है। ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ये आपके सिलेक्शन के लिए कि आपको सिलेक्शन ऑफ होटल कैसे करना है, ठीक है। तो अभी इसमें भी आपने पहले तो इनके रिव्यूज़ आप चेक कर लीजिए एक बार कि क्या रिव्यूज़ हैं। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि रिव्यूज़ के हिसाब से क्या परेशानी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो रिव्यूज़ आप चेक कर ले। जो भी ब्रेकफास्ट मिलेगा वो नॉन वेजी रहेगा, वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट आपको यहाँ मिलने नहीं वाला है इन होटल्स में। अब देखिए, यहाँ पे आप जब मैप पे क्लिक करेंगे उससे पहले आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन काफ़ी दूर हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप ये होटल अगर आप बुक करेंगे तो इस होटल से मेट्रो स्टेशन की लाइन या तो ये वाली है ग्रीन वाली, या फिर ये रेड वाली है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से यहाँ तक आने में पहले आपको बस की हेल्प लेनी पड़ेगी या ई रिक्शा की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो आप एप्पल मैप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब आप डालेंगे लोकेशन कैंटोन फेयर की, तो वो दिखा देगा कि आपको इस बस नंबर से इस मेट्रो स्टेशन तक आना है, फिर यहाँ से आप मेट्रो लेके और यहाँ से आगे आके यहाँ पे वांशेंग वाई पे चेंज करके और फिर यहाँ पे फाजू मेट्रो स्टेशन पे उतर के कैंटोन फेयर अटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको यहाँ से ये रेड लाइन पे आना है तो यहाँ से आके यहाँ पे चेंज करके फिर यहाँ पे फाजू पे आके दोबारा आप कैंटोन फेयर एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ से मेट्रो स्टेशन आपका दूर रहेगा। तो ये होटल आप देख सकते हैं कि आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं है। अब जैसे हम इसको 5 दिन के लिए अगर मैं बुक करने की कोशिश करूँ तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आने वाली है, फ्री कैंसिलेशन है इसमें, और वो भी कब तक, 14 अक्टूबर तक आप फ्री कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 5 दिन का जो कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 10,600। इससे पिछला वाला जो होटल था उसका अगर 5 दिन का कॉस्ट मैं निकालूं तो वो आ रहा है 9,953। ये आप बुक कर सकते हैं, और बुक करने के बाद ये इसमें आपका फ्री कैंसिलेशन भी है। रिफ़ंड इसमें काफ़ी हद तक टाइमली आ जाता है। जब भी मैंने लास्ट ईयर जितनी भी बुकिंग की उनमें रिफ़ंड अगर कुछ था तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट टाइमली हो गया था। अभी बात करते हैं किसी तीसरे होटल की। आप चाहें तो होटल को यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, अपने प्राइजेस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, उनके ब्रेकफास्ट के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, डायमंड कह लो या स्टार कह लो उसके हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो कैंटोन टावर के हिसाब से या फिर एयरपोर्ट के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैंटोन टावर चाहिए, कैंटोन टावर एकदम कैंटोन फेयर के पास है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा आपको दिखेगा कि जो होटल रहेंगे वो भी
आप ऐसे आपको नजर आ जाएंगे। ये तो पहला होटल तो वही आ गया जो हमने पहले देखा था। उसके अलावा एक ये होटल आया, अब ये थोड़े से कॉस्टली हैं, आप कॉस्ट वाइज भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट वाइज सॉर्ट करने हैं तो यहाँ से आप हाई टू लो या फिर लो टू हाई यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये बॉर्बेन होटल है, इसका आपको देखें ये थोड़ा हाई एंड पे है, तो अगर आपको इसके रिव्यूज़ देखने हैं, पहले आप सबसे पहले रिव्यूज़ देखिए क्या क्या इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं या क्या क्या इसमें ठीक चीज़ें हो सकती है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से भी मेट्रो स्टेशन लाइनेक्सी जो है वो 420 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब आप पैदल चल के जा सकते हैं और फिर उस मेट्रो स्टेशन से, जैसे यहाँ पे ये होटल है तो यहाँ से ये वाला मेट्रो स्टेशन आसपास रहेगा, ये मेट्रो स्टेशन पकड़ा, यहाँ आए और ये आके आपने यहाँ पे नीचे आए यहाँ पे ग्रीन लाइन पे और यहाँ पे केकुन मेट्रो स्टेशन पे चेंज करके फाजू मेट्रो स्टेशन तक आए और यहाँ पे आप अपना कैंटोन फेरेरा को एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने होटल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको होटल कहाँ पे बुक करना है या कौन सा होटल बुक करना है। आपको होटल बुक करते समय एक तो रिव्यूज़ का ध्यान रखना है, दूसरा मैप पे लोकेशन का ध्यान रखना है और तीसरा कि मेट्रो लाइन उसके आसपास हो, बेटर पॉसिबिलिटी ये है। अगर मैं इसको एकदम शॉर्ट कर दूँ सबसे कम दामों वाले रेट्स पे, तो हम देखते हैं कि हमें कौन से होटल नज़र आएंगे। जैसे मैंने 0 से 2000 की रेंज पकड़ ली है, इसमें कौन कौन से होटल मुझे नज़र आने वाले हैं। पहले वही होटल आ रहा है जो हमने देखा अभी ऑलरेडी। अभी हम यहाँ पे टोटल स्टे के हिसाब से कर देते हैं कि 5 दिनों का टोटल कॉस्ट जो है वो हमको क्या पड़ने वाला है इंक्लूडिंग टैक्सेस, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने सॉर्ट कर दिया, तो ये पड़ रहा है मुझे 9900 का, ये पड़ रहा है 8900 का, ये पड़ रहा है 9300 का। अब ये देखिए ये कोई एक हॉस्टल टाइप है, ये पड़ रहा है 4000 का, मतलब 5 दिन के लिए आपको 4000 में हॉस्टल मिल रहा है। अब आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, वही है, आप यहाँ से रिव्यू चेक कर लीजिए, उसके बाद मेट्रो जो स्टेशन है वो चेक कर लीजिए, मैप चेक कर लीजिए। आपको मैप पे आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपको ये वाला मेट्रो स्टेशन लेना पड़ेगा, ये लाइन पकड़ के आप नीचे यहाँ केकुन आएंगे और केकुन से यहाँ फाजू पे आके आप अपना कैंटोन फेरेरा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप हॉस्टल हो गए या आपके बाकी होटल्स हो गए, आप वो चूज़ कर सकते हैं, आप वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होटल या हॉस्टल रहेगा। आप इसके हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए, जो प्राइजेज आ रहे हैं पूरे 5 दिन के आ रहे हैं और आप पर डे के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बस एक आइडिया है इस वीडियो में कि आपको होटल का सिलेक्शन कैसे करना है, बाकी इट इज़ अप टू यू। आप होटल बुक करते हैं, हॉस्टल बुक करते हैं, सस्ता बुक करते हैं, महंगा बुक करते हैं, ये आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। ये वाला होटल लग रहा है, अभी जाएंगे तब पता लगेगा, जिंजू बुटीक होटल। बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से ना, मतलब ट्रांसलेशन करके बात करनी पड़ रही है, बट दे आर हेल्पिंग मी आउट, सारी चीज़ें ना एक एक करके बता रहे हैं और पूरी हेल्प कर रहे हैं ना। जहाँ पे ठहरे हैं वो होटल का रिसेप्शन ये है और ये बाहर रोड चल रहा है, यहाँ पे ना एक साइलेंट सी लाइब्रेरी है। तो भाई नीचे जो अपना रेस्टोरेंट है होटल के नीचे, वो कुछ ऐसा दिखता है बड़ा शानदार सा। जो होटल है ये मुझे ₹2000 पर नाइट का पड़ा है। तो भाइयों चाइना में होटल का स्टाफ आपको काफ़ी हद तक ओके मिलने वाला है और आपकी वो काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आपको अगर वेजिटेरियन खाना खाना है तो आप अपने साथ रेडी टू ईट मील फूड लेके जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एक कॉमन एरिया में माइक्रोवेव या ओवन मिल जाएगा, तो आप उसमें उसको कुक करके खा सकते हैं। एक कॉमन एरिया में आपको वॉशिंग मशीन भी मिलेगा, तो आप उसमें अपने कपड़े डाल के धो सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली हैं। तो भाइयों चाइना में कैंटोन फेयर अटेंड करने जाने के लिए आपको वहाँ पे जो सप्लायर्स मिलने वाले हैं उनके बारे में अगर कुछ डिटेल चाहिए, तो मैंने पिछला कैंटोन फेयर जो अटेंड किया था उसके सप्लायर्स की सारी डिटेल मैंने एक PDF फाइल में बनाई हुई है, Phase 1 और Phase 2 की। अगर आपको वो PDF फाइल चाहिए, फ्री में अवेलेबल है। आपको करना सिर्फ इतना है कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म का लिंक है उसमें आपको अपना ईमेल ID डालना है और मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन का एक स्क्रीनशॉट डालना है, और उसके बाद आपको आपके उसी मेल एड्रेस पे सारी की सारी PDF फाइल जो है सप्लायर्स कैटलॉग की, वो मेल पे इमीडिएटली डिलीवर हो जाएंगी। भाई अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबाएँ। मेरे इस चैनल से आपको 3 वीडियो ज़रूर देखने चाहिए चाइना कैंटोन फेयर जाने से पहले। पहला वीडियो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो मैंने अभी डाला है, ताकि आप रजिस्ट्रेशन अपने आप कर पाएँ
और दूसरा वीडियो आपका कितना खर्चा वहाँ पे होने वाला है एक्सपेंसेस एंड बजट का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और तीसरा वीडियो है फुल ए टू जेड प्रोसेस का, कैंटोन फेयर में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। तो ये तीन वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच हैं अगर आप चाइना कैंटोन फेयर अटेंड करने जाने वाले हैं, तो इन तीनों को देखकर ज़रूर जाएं। और भी आप मेरे चैनल से काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपकी चाइना सीरीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।